ये बात बिल्कुल छुपा कर रखना। मैंने तो अपने हाथ से भी छुपा कर रखी है वकील साहब, लेकिन ये अखबार वाले न जाने कैसे हर चीज का पता लगा लेते हैं। एक इंसान से जितनी एहतियात हो सकती है मैंने की है। हाँ, एहतियात की है। अब सब के सब रिश्तेदार मेरे स्तर पर आके बैठेंगे। क्या चक्कर लगा रहे हो बंसी? यही चक्कर लगा लगा कर 100 मील का डाले। कैसे राजू मौसी, मेरे दिल में जो आती उठी है। जब से अखबार देखा है जी जाता है गोली मार दूं उसे। लोग जाने अखबार वालों को। अखबार वाले का कसूर क्या बिल्ली? मुझे तो कुछ और ही गोलमाल नजर आता है। वकील साहब की जिम्मेदार, हमारे होते जायदाद एक गवार को दे डाले। आने दो, मैं उसको नोट डालती हूँ। कौन है ये राजेंद्र सियाल? ये क्या होता है जायदाद का? हम मर गए हैं क्या? और हमारे जीते की जायदाद ये ले गए और जायदाद का असल वारिस क्या होता है? असली वारिस मैं हूँ, सौतेली बहन राय साहब की। तुम सौतेली बहन हो, सगा भतीजा मैं हूँ। और मैं हूँ बोला बेटा जिसे ईमेल भेजा उन्होंने। पीछा छुड़ाने के लिए भेज दिया था तुम ये, लेकिन मुझे तो अपने पास रखा था। बेटी समझा था बोल पर झूठी लपाटन। बेटी बड़ी की बहन अखिल बड़ी के भैंस मासी। वकील साहब बस बंद करो ये बकवास। राय बहादुर अपने होश हवास में वसीयत कर गए हैं, उसके मुताबिक सारी जायदाद राजेंद्र सियाल को मिलेगी। तो फिर हमारा क्या होगा? आखिर हमारा भी तो हिस्सा होगा। जो कुछ थोड़ा बहुत तुम लोगों को मिला है वो भी राय बहादुर राजेंद्र सियाल के सपुर्द कर दें। क्या मतलब? यानी वही तुम्हारे हिस्से का भी अमानतदार है, सोल ट्रस्टी। राजेंद्र सियाल कल बॉम्बे आ रहे हैं, अब आप लोग कुछ भी आ सकते हैं। चलो मासी। सल्तनत
50 लाख की जायदाद। अब इस पर आर्थिक हुकूमत चलेगी। बिस्तरा किधर लेके जाता है? चौथा कहीं का हजूर, आपके कमरे में लिए जा रहा हूँ। ले जाना दीजिए। राजू, इसमें मेरे 10 रुपये है। कोई बात नहीं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस तरह देता है कि पुलिस को बुलाऊं? कालू, हाँ नोट के साथ ले जा, ले जा, बाप का माल है। ये लोग कौन है? ये लोग राय बहादुर के वक्त हैं, तभी से मुफ्त की खा रहे हैं। अभी असबल आपको साफ करना पड़ेगा। क्या मतलब? यही, जब आप चाहें इन लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। रहने दीजिए, हमारा क्या बिगाड़ते हैं, हम इतने बड़े मकान का क्या करेंगे? जैसे आपकी मर्जी। बहरहाल जब कभी मेरी जरूरत हो मैं आपकी खिदमत हाजिर हूँ। अच्छा, नमस्ते। माता जाहिल मालूम होता है, आप इसे उंगलियों पे ले जा सकते हैं। देखो, ये सब क्या? बुजुर्ग ने आ क्या खोली, दुनिया जाग उठी। सेहत मुबारक बुजुर्ग, गुस्सा करवा दूं, गाना सुना दूं, चाय पिला दूं, नाश्ता लगा दूं, मालिश बना दूं, पाँव दबा दूं, जोर करा दू, शेर सुना दू। अर्ज किया है कहर लाए कि क्या पैगाम बेदारी से रिश्ता में, नकाबे रुख उलट दो खुद सार बेदार हो जाए। ये मामला क्या है? क्या तुम हर रोज यही काम करते हो? गुलाम तो हुजूर की खिदमत के लिए पैदा ही हुए हैं। मुझे आपकी खिदमत नहीं चाहिए, मगर हुजूर इस तरह हमको बेकार हो जाएंगे। तो यानी कि आप लोग काम पर लगे रहे और मैं बेकार हो जाऊं? नहीं बाबा, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। क्या बात है, कोई मर गया है क्या? कुछ फूटो भी घर का गया कि पड़ोसी? हम तो आप ही के लिए आए हैं हुजूर। क्या मतलब? हम सब आप ही की खिदमत के लिए हाजिर हुए हैं सरकार। तो घबरा ही रहा था। गुस्ल करवा दूं? उन सबके सामने जा भाई जा। गाना सुना दूं? कच्चा तो पक्का? कच्चा तो पक्का करके लाओ भाई। जाओ जाओ जाओ। अबे तेरे दिमाग में फितूर खाली का पिलाता है, कलेजा जलाता है। एक कोई दही की लस्सी ला, ऊपर से पेड़े डाल और फिर दूध की रकेबी और पाव भर जलेबी और फिर जाके कहीं एक कुल्लड़ चाय। बहुत अच्छे से। हाँ, आदमी समझदार हो। कौन सा खा लेते हो पहलवान? दारा सिंह के। ओहो पहलवान, दूध जलेबी के पास है? जाइए तो आप जाइए। हुजूर एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ आपसे। हाँ करो करो। अर्ज किया है न हुई सर्द दिल की लगी। अच्छा, यानी दिल में लगी हुई आग ठंडी ना हो सकी। न हुई सर्द, एक मिनट, ये आग मच्छी से लगाई थी क्या? अगर कुछ नहीं आग बढ़वा दो। हाँ तो हुजूर न हुई सर्द दिल की लगी। अच्छा, और बर्फ में भी लगा के देख लिया। ओ, 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 इतना शेर गरम था मगर बर्फ में डाल के ठंडा कर दिया। क्या अदबस क्या है? जाओ जाओ अभी जाओ। सब नीचे बहुत से आदमी आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार कर रहे हैं? जी सर। किस लिए? वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कालू, ओ कालू, नीचे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं।
सियाल साहब आप हैं? सियाल साहब आप हैं जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जरा हाथ उठे कीजिए। साहब आओ अच्छी तरह से खोल दीजिए। हाँ जी हाँ जी। देखो जी छाती छत्ती कमर बत्ती रस्सी देखे हो जाइए साहब। हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है खड़े हो जाइए वरना माप में फर्क आ जाएगा। लंबाई 31। लेकिन आप चाहते क्या? आपका नाम हमारी दुकान का नाम है टिक टॉक। अमेरिकन सूट इंग्लिश बूट ड्रेसिंग गाउन बूट शर्ट सुई से लेकर जहाज सब आपको मिलेगा। फरमाइए क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। मुबारक हो सियाल साहब मुबारक हो आपको इतनी बड़ी दौलत मिली है मुबारक हो मेहरबानी। लेकिन आप? मैं नशो बीमा कंपनी का एजेंट हूँ। आप यहाँ क्या करने आए? मैं आपकी जिंदगी का बीमा करने आया हूँ। मगर लेकिन हम तो कुछ मत सोचिए। आप 25 लाख का बीमा कराइए अगर आप 1 लाख भी देंगे तो आपको 25 लाख मिलेगा। 25 लाख कब कैसे? मरने के बाद तुम्हारे मरने के बाद? जी नहीं आपके मरने के बाद। हमारे मरने के बाद पैसा किसको दोगे? गुड लक सियाल साहब हम गुड लक पब्लिसिटी ब्यूरो से आए हैं। इश्तहारबाजी की बहुत बड़ी कंपनी है हमारी। हम आपकी लाइफ जानना चाहते हैं। आपको किससे काम है? आप जरा काम आपको अंदर आने का रास्ता तो मालूम होगा। जरा इनको बाहर जाने का रास्ता दिखा दो। आप जा सकते हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलते ऐसे साहब। राय बहादुर का दास था और आपके हुक्म का गुलाम। गुलाम यानी कि आप ताश बेचते हैं? ताश नहीं बेचता अखबार में नाम देता हूँ तस्वीर छापता हूँ। कल ही आपकी तस्वीर अखबार के पहले सफे पर होगी। आप लीडर बन जाएंगे। आप जरा आइए इधर जरा मुस्कुराइए। आपको टेलीफोन है? ठीक है। भैं ये भैंस कहाँ से आ गई बीच में? क्या बोला? हम भैंस तुम अंधा है। आप हमारे मम्मा को देखा? मम्मा? हाँ मम्मा। हेलो गुड मॉर्निंग। हम तुम्हारा नेवर है। तुम्हारा पड़ोस में रहता है 7 वाला बंगला में। हम मिसेज अखरोट वाला। हमारा बाबा लोग मास्टर अखरोट वाला एंड हमारा बेबी मिस अखरोट वाला। अगर मैं तुमको दौलत मिला हमको बहुत बहुत खुशी हुआ। ऐसा मालूम होता जैसा हमको मिला। बाबा किसी का भी खुशी पन अपना खुशी है। आई एम वेरी हैप्पी। मगर राय बहादुर साहब अपना इतना दोस्त इतना फ्रेंड एकदम सगा वाला के माफिक मर गया बेचारा। लेकिन वो मरा नहीं अभी जिंदा है। तुम क्या समझता तुम हमको पहचानता नहीं राजू साहब? मैं हम जवाब नहीं आया था कितना वेट करता डे नाइट। तो बंद करो। अजीब औरत है। घंटे भर के कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं के सिवा कुछ कहने नहीं देती। अच्छे वाले आदमी को बकरा बना रखा है। आई एम वेरी सॉरी। अभी हमको पता लगा कि तुमको गुस्सा भी आने को सकता। इतना देर से हम बकबक किया और तुम सुना। अभी तुम बकबक करो हम सुनेगा। क्यों रोगी भगवान जरा ऊंचा बोलिए। मेरा चचा पैदा ही नहीं हुआ। क्या कहा? मेरे बाप का चचेरा भाई? कोई नहीं। फेरा भाई? कोई नहीं। मसेरा भाई? कोई नहीं। मेरा भाई? जी मेरे बाप का कोई भाई नहीं था। वो खुद ही अपने भाई थे। राजू सर भाई भाई कर रहा है। अब कसर आ गई है तो मेरे भाई की। चलो चले। बहुत अबे जल्दी चल। चलो इसी में भाग चले। मगर ड्राइवर अभी तू ही चला। ये बटन दबा। अरे जल्दी बटन दबा। अरे सुनो माय पूर चाय इधर इधर
मार दिया ना? अरे मैंने क्या माना, गाड़ी ने मार दिया। ए कालू, यस, व्हाट डू यू वांट? करमचंद जी कहाँ है? नमस्ते वकील साहब। अरे आप और यहाँ, रास्ता कैसे मिला? बस मत पूछिए, पहुंच ही गए। इसे रखिए ना, बैठिए ना। आपका हाल कैसा है? बहुत बुरा, लात में दम कर दिया है मिलने वालों ने। एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, चौथा गया, पांचवा आया। आप गांव का टिकट कटा दीजिए हमारा, हम शहर में नहीं रहने के। जी बस इतनी बात से घबरा गए? आखिर पैसे वाले के घर ही तो कोई आता है। जी नहीं, मैं बाहर आया। इतने लोग, इतना पैसा, मेरी समझ में नहीं आता मैं इतने पैसे का क्या करूं। अब आपने मुझसे पूछा तो मैं बता देता हूं। आप अपना रुपया मुझे देकर और बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। हाँ राजू, सारा रुपया इन्हें दे दो और हम लोग गांव चले जाएंगे। मैं आपके रुपये कुछ ऐसे कारोबार में लगा दूंगा कि चंद ही दिनों में आपका रुपया दुगना चौगना आठ गुना हो जाएगा। अच्छा, आप भी कमाल के आदमी हैं वकील साहब। लेकिन बात यह है वकील साहब के मुझे आप पैसा नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी मुसीबत दुगनी चौगनी आठ गुनी हो जाए। आपने मुझे गलत समझा। उल्टा ठीक समझा है वकील साहब। आपकी पहले बहुत मेहरबानियां हैं वकील साहब, आप हमें घर पहुंचा दीजिए। अरे तेजू साहब को बोला, आपने अपनी परेशानी बताई इसलिए मैं राय दे दी, वरना खुद मुख्तार है। तेजू जी, आप लोगों का छोड़ा बहुत बेहतर। आइए साहब। अच्छा वकील साहब, नमस्ते। अजीब अहमक आदमी है, जो बिजनेस की बात करता हूँ फिर रखा देता है। आपका मतलब राजेंद्र सयाल से है ना? लेकिन उसकी दाल आपके सामने कब तक गलेगी? ठीक है, लेकिन वो ऊँट किसी करवट पर बैठे। सच तो ये है, ये उसकी बेवकूफी है जो उसे बचा रही है, वरना आज मेरी जेब में 10-12 रुपए करनी होती। इतने से बात हो, अभी तक दिमाग में नहीं आई, क्या कोई नई तरकीब निकाली है? सुना, कल शाम को तुम आशा को लेकर यहाँ आना और मैं राजेंद्र को बुलाऊंगा। फिर अब मैं देखूंगा वो कमार कैसे पचकर जाता है। समझ में आई? हाँ आई। भगवान देने पर आता है तो छप्पर फाड़ के देता है। क्या का समझ नहीं, कोई पता नहीं 10 लाख की रेवड़ियां खरीदा ले। वो राजेंद्र साहब आ गए।
नमस्ते। आप भी चलाना होता तो यहाँ कोई घुसने भी नहीं देता। ए बॉय, आप दीजिए, आप भी शॉप फरमाइए। शॉप फरमाइए मतलब अब खाओ। ओ लाओ भाई लाओ। ये बेवकूफ समझाए मुझे, इसमें तो घास भरी है। घास घास नहीं, चला दे हुजूर। हाँ क्या बोला? हेलो आशा। हेलो, हो रहा है शिकार? तो फिर इंतजार किस बात का? फेंको कमल, छेड़ तो छूमन कर। आइए, आपको कुछ और मेहमानों से मिलाऊं। आप यही तस्वीर रखिए। आपने डेटा कश्यप, मिस्टर भगवान दास, मिस अखरोट वाला। हेलो, आई एम मिसेस अखरोट वाला। आप राजेंद्र सियाल। ओह माय गॉड, आप हैं मिस्टर सियाल? उस दिन हम तुम्हारा घर में गया, किसी दूसरा को राजेंद्र साहब समझा। हम भी कितना फुलिश है। जी रोजी। यस मैम। रोजी, असली राजेंद्र साहब ये हैं, तो बात करने को सकता है। ओह माय गॉड, हम घर टेलीफोन करने को तो भूल गया, हम अभी आता है। एक्सक्यूज मी। आपका दोस्त कहाँ है? कहाँ है आपका दोस्त? बोरा। बहुत मस्ती किया। मस्ती किया हम? तुम हमको बोला राजू है, कम तुम राजू नहीं है? राजू नहीं है ना, राजू वो है, उस दिन हम झूठ बोला था। हमको मालूम है, पर तुम्हारा बात हमको बहुत अच्छा लगता है। राजू नहीं है फिर भी? राजू है फिर भी अच्छा लगता था, राजू नहीं है फिर भी अच्छा लगता है। अरे भाई, मैं तो उसी दिन बताना चाहता था कि मैं राजू नहीं, लेकिन तुम्हारी कौन है वो, उसने मुझे बताने ही नहीं दिया कि मैं राजू नहीं। और जब तुमको मालूम पड़ गया है कि मैं राजू नहीं हूँ, फिर भी तुम कहती हो कि अच्छा लगता है। एक बात पूछूं, इधर छुट्टी कब मिलेगी? घुल घुल है, घुल घुल है।
कभी कभी तो मिट मिट दो बातें हमसे भी कर लो, कभी कभी तो मिट मिट दो बातें हमसे भी कर लो, कभी कभी तो मिट मिट दो बातें। मेरा नाम आशा है। मेरा नाम निराशा। क्या मतलब? मतलब ये कि आप चुपचाप बैठे हैं कुत्ती में। मैं आपसे क्या बात करूं? कोई बात, कुछ भी। कीजिए ना। ये बताइए कि मैं आपको कैसी लगती? एक खूबसूरत तितली। बस सर्दियों की आग। मतलब ये कि पास आए तो जल जाए, दूर रहे तो जम जाए। शुक्रिया। अच्छा आपको मेरा नाच पसंद आया? बाप रे, आप नाच रही थी? आपका समझे? मैं समझा आपकी कमर में बल पड़ गया है, आप सीधे कर रही। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का शुभ अवसर इसलिए है कि आपका एक महान हस्ती श्री राजेंद्र साल से परिचय कराया जाए। आपके विचार और ख्यालात बहुत ही नेक हैं। आपकी बड़ी ख्वाहिश है कि आप अपनी दौलत को कुछ ऐसे शुभ कामों में लगाएं जिससे जाति और देश की उन्नति हो। मैं अपनी और आप लोगों की तरफ से श्री राजेंद्र सियाल और उनकी शुभकामनाओं का स्वागत करता हूं। शहर में आने से पहले मैं समझा करता था कि यहाँ के लोग मगरूर और दौलत के नशे में चूर होंगे। उनका इल्म, उनकी अकल उन्हें इजाजत न देती होगी कि वह मुझ जैसे सीधे सादे देहाती से कलाम करें। मगर यहाँ आकर मैंने देखा कि आप लोग ऐसे नहीं,
आपकी सभ्यता बहुत बड़ी है। घर आए हुए मेहमानों की आप बहुत इज्जत करते हैं, शानदार स्वागत करते हैं उनका। और अगर हमारी किसी हरकत पर आपको हंसी आ भी जाए तो आप सामने नहीं, मुंह छुपा के हंसते हैं ताकि हमारी भावनाओं को किसी तरह ठेस न पहुंचे। मैं श्री करमचंद जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाकर आप लोगों से मिलने का मौका दिया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे, आपने मेरी इतनी इज्जत बढ़ाई। अब मुझे इजाजत दीजिए। अवकाश माफ कीजिएगा, आप कुछ नाराज मालूम होते हैं? नहीं वकील साहब, मैं जानता हूं मैं एक कम पढ़ा लिखा देहाती गांव का आदमी हूं, मैं शहर में गुजर कैसे होगी वकील साहब? ये बात नहीं सर, बात यह है कि आपको शहर के रस्म रिवाज नहीं मालूम। मेरे ख्याल में आप एक सेक्रेटरी रख लीजिए। सेक्रेटरी? हाँ, आपको छोटे मोटे कामों में सहूलियत हो जाएगी। इजाजत हो मैं भेजूं? जैसे आपकी मर्जी। नमस्कार। दिए थे उनका क्या हुआ? सब जाती है तो ठीक है। मोहन मैं क्या करूं, मेरी नौकरी जाती रही और मालूम होता है कि मिलने वाली भी है। ये कपड़े, ये सजगज, ये पार्टी, करोड़पति को दावत, इन बातों कुछ मैंने अच्छा अच्छा मैंने परसों से पानी के समय कुछ अच्छा राजेंद्र के मुताबिक क्या ख्याल है? खतक यानी शिकार मुश्किल है क्या? कोई दावा है? लिखो, 100 रुपया बंसी ले गया, 254 लेगी मौसी, 254 मौसी, 381 नौकर। आहिस्ता आहिस्ता लिखने में टाइम लगता है, खर्चा करने में नहीं लगता होगा। लिखो 620 लिखा? हाँ 620। टोटल करो, टोटल 2, 3, 5, 8, 13, 6, 19, 20, 420। 420 1420। जी, मैं आशा। क्यों, मुझे नहीं पहचाना आप? तो देखिए बाहर गाड़ी में सामान रखा है, किसी से मंगवा दीजिए। सामान यानी कि आप खुद भी आ गए और आपका सामान भी आ गया, यानी कि अब आप यहीं आएंगी? इसमें हैरानी की क्या बात है वकील साहब? ने आपसे नहीं कहा मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ? लेकिन आप तो औरत हैं। जी मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे औरत नहीं चाहिए। मेरा मतलब है कि हमें औरत सेक्रेटरी नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए। क्या लिखा कालू? 1420। Yes.
एमपी जहाजी कंपनी इजिप्ट से पहुंचना ही है। देखिए आप बिल ऑफ लेडिंग भेज दीजिए। हाँ दस एन थैंक यू। दूर बहुत से लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। बहुत से आदमी मुझे मिलने आए हैं। जरूर आपके थिएटर के मैनेजर साहब भी आए। मेरा थिएटर मैनेजर? हाँ वो एक मोटर कंपनी वाला भी आया। मोटर कंपनी वाला भी आया? चालू आपका ट्रेनर भी आया। ट्रेनर साहब वो पुलिस इंस्पेक्टर भी आए। पुलिस बात चलो आगे। मैं तो पहले जवाब तो देना होगा। अगर आप इजाजत दें तो। जी जी मैं नेशनल बात से हूँ। लेटेस्ट मॉडल ग्रुप का हूँ। हर चीज ऑटोमेटिक है। लेकिन मिस्टर साहब को गाड़ी नहीं चाहिए। चाहता हूँ एक बार राजेंद्र साहब को गाड़ी दिखा दी। हिंदुस्तान भर में वैसी गाड़ी नहीं। जी मैं श्री श्याल साहब से मिलना चाहता हूँ। उन्हें फुर्सत देंगे। मैं उनका ट्रेनर हूँ और उनके घोड़े याकूब की बाबत पूछने आया। देखिए अब घोड़े को फुल ट्राइब लगा दी। मगर प्यार साहब उन्हीं का हुक्म है। मनोहर लाल ने गजब की लड़की इसने तो दवा निकल दिया दोनों। अरे वो झाड़ू फेरा है कि सब साफ कर दिया। हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ। देखिए अगर मैं उन्हें पुलिस स्टेशन भिजवा दूँ तो ठीक रहेगा। बहुत बेहतर। सुनिए मैं चली। आप चली यानी कि आप आई भी और आप चल भी थी यानी कि आपका सामान भी चला और आप भी चले यानी कि अब आप यहाँ नहीं रहेंगे? नहीं अब मेरा यहाँ क्या काम? जी सुनिए मगर वो वकील साहब वाली बात हमें बहुत अच्छी लगी। तो फिर जी 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 जी, जी। ये बिल है। बिल ये क्या करूँ? एक नजर देख लीजिए। और हाँ चेक तैयार कर दिया है इस पर साइन कर दीजिए। चिट्ठियों का जवाब भी लिखती है इस पर साइन कर दीजिए। अब हो गई। मैं किसी को क्या लिखूंगा इसका भी आपको पता है? हाँ जो बात किसी के दिल में होती है मेरे नाखूनों में चली आती है। नहीं हाँ ताज्जुब है यानी कि आपको सब कुछ पता है? जी थोड़ा बहुत जानती थी अब कुछ और सीख जाऊंगी। आपकी मेहरबानी की नजर चाहिए। कमाल की क्या बात है? यानी कि तुम ये भी जानती हो? आप ये भी नहीं जानते? मैं तो कुछ भी नहीं जानता आशा। कोई दिन ठहर जाइए आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ जो आप जानते हैं वो शायद मैं कभी नहीं जान सकूं। वो क्या? यही साथ की चुप रहना और सब कुछ कह जाना हाथ ना हिलाना और हौसला बढ़ा देना। तुम शायद बनाती हो? नहीं राजू बाबू मुझे गांव के लोग गांव की जिंदगी बड़ी अच्छी लगती है। खुले दिल खुले मैदान खुली हवा हरे भरे पेड़ लहलाती हुई खेतियां नीला आसमान। तो आपका जी नहीं चाहता बाग बाहर में लौट जाने को? शहर में जी नहीं घुटता आपका? घुटता क्यों नहीं लेकिन कहाँ जाऊँ? वाह शहर से थोड़ी दूर जाइए तो सब कुछ है। चलिए ना जरूर अभी चलते हैं। कालू को भी साथ ले चलते हैं। कालू कालू हाँ कालू तो जरूर जाएगा। आइए कालू
जमाना है बुरा, बचना जरा ये जमाना है बुरा, कभी मेरे गले में न आना, कभी मेरे गले में न आना, बचना जरा ये जमाना है बुरा। लुभाना दिल को लुभा कर पास बुलाना, पास बुला कर खुद घबराना, तेरा जवाब ही नहीं हुआ, खुद घबरा कर आँख चुराना, आँख चुरा कर दिल को जलाना, दिल को जला कर होश भुलाना, होश भुला कर हर मजनू बनाना, इन लैलाओं का है खेल पुराना, बचना जरा ये जमाना है बुरा, कभी मेरी गली में न आना, कभी मेरी गली में न आना, बचना जरा ये जमाना है बुरा, कभी मेरी गली में न आना, कभी मेरी गली में न आना, बचना जरा। ये जमाना है बुरा, कभी मेरी गली में आना, कभी मेरी गली में न आना, बचना जरा ये जमाना है बुरा, कभी मेरी गली में न आना, कभी मेरी गली में न आना, बचना जरा ये जमाना है बुरा, कभी मेरी गली में न आना, कभी मेरी गली ये जमाना है बुरा, कभी मेरी गली में न आना, कभी मेरी गली में न आना, बचना ये जमाना है बुरा, कभी मेरी गली में न आना, कभी मेरी गली में न आना, बचना जरा। Thank you.
कौन से आ गया? तब से तुमको इधर देखते हमको वो मम्मी किधर है? मम्मी बाहर गया। मर गया? नहीं बाहर गया। ओ बाहर गया। और वो पापा? पापा मर गया। पापा भी बाहर गया है? नहीं पापा मर गया। मर गया? चलो अच्छा हुआ। मेरा मतलब है कि वो उसके बहुत बुरा हुआ। नहीं एक बात पूछूं, तुम औरत है कि मैम? अपना गांव याद आ गया। इतने रोज तक तो मैं ये महसूस करता रहा कि जैसे मैं खुश गया था। जी चाहता ना यही घर बना ले। कितना आनंद है। आज पहली बार आपको इतना खुश देखा। नहीं तो आप मेरे चुप चुप रहते। नहीं तो आप मेरे चुप चुप रहते। मैं इसलिए चुप रहता हूँ कि कहीं मुझसे कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो लोग मजाक उड़ाएंगे। जानते हो गाँव में मेरी लोग कितनी इज्जत करते हैं। मुझसे सलाह लिए बगैर कोई बात नहीं करते। और यहाँ से लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? किसके मजाक है आपको मजाक? दिल धरने से पहले हमें घर लौट जाना चाहिए। आप भी कमाल। अभी आप कह रहे थे कि मैं यही घर बनाऊंगा और अब आपको चलने की फिक्र। जाना ही चाहिए। कानून पूरा कर रहा होगा। कानून Oh,
तुम बहुत अच्छी जी, मेरा मतलब बहुत बहुत अच्छा गाती सच। मामला आगे बढ़ा? बाकी रहा है, मगर इतनी जल्दी नहीं क्या? मुझे तो जल्दी नहीं, वकील साहब बेसब्र हो रहे हैं। बात कुछ आगे बढ़ी? अभी देख लीजिएगा। आज कहाँ जाना है? आज रेस कुछ जाने का प्रोग्राम है। घुड़दौड़? हाँ हाँ। नमस्ते राजेंद्र साहब, ये बात है ना? लेकिन मैं अकेली,
घंटे जो तुम्हारे पास आएगा, अब तो इंतजाम हो जाएगा। एक मिनट भैया, क्या बात है कालू? यही तो मैं पूछता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? सारा सारा दिन इसके साथ घूमना अच्छा नहीं तुम्हारा? क्या अच्छा नहीं? यही जो इश्क बघारना शुरू कर दिया तुमने। नहीं मैं क्या, मैं इश्क तो सभी करते हैं भैया, लेकिन सबका कुर्ता पजामा कोट पतलून नहीं बन जाता। नहीं कालू, मैं फिर वही मैं हर बात में बकरी बन जाते हो। जो कुछ करना है सोच समझ के करना भैया। ये ऑल इंडिया रेडियो है 244 मीटर 353 41.44 मीटर पर। इस समय रात के 10 बजे हैं। अब आप हमारा हिंदी ड्रामा खूनी आशिक सुनिए। हम तुमको मिलने आए। मम्मी मम्मी खानी क्या ठीक है? क्या ठीक है? तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी मासूम बच्ची पर डरा डालते हुए? मम्मी तुमने इसे अपने घर क्यों बुलाया है? पर मैंने किधर बुलाया? अब जाते कहाँ हो? मैं चाहती हूँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, अभी पुलिस के हवाले किए देती हूँ। पुलिस? अब क्या होगा? तुम भी बिल्कुल बुद्धू है, इतना भी नहीं समझता कि ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये रहा बदमाश, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मेरी बेटी को भगा लिया जा रहा था, वो देखिए प्याला के नीचे रहा। नहीं नहीं, अब क्या बचाले भगवान, दूसरी मरतबा नहीं। जान के मान चाहते तो खड़े हो जाओ। खड़ा होता हूँ, खड़ा होता हूँ, कहता हूँ खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। अब बताओ क्या हाल है इंस्पेक्टर साहब? देखते क्या है, मारिए गोली, नहीं तो भाग जाएगा। नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं लगी। अब लगी, अब होती तो शायद मैं गांव वापस चला जाता। सच? ठीक है तो आशा, अच्छा नमस्ते। मुबारक हो आशा देवी। मुबारकबादी देने आया हूँ। राजू को हमारी उम्मीदों से कहीं बढ़कर आपने उल्लू बनाया है। इस शादी हिंदुस्तानी तरीके से होगी या सिविल मैरिज? लेने क्या है? मुझे वकील साहब ने भेजा है, कल रात को 9 बजे मैं यहाँ आऊँगा। तिजोरी की चाबियाँ मुझे वहाँ मिल जानी चाहिए, समझे? और 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक राजू को बातों में उलझाए रखना। मैं कहता हूँ गुड नाइट आशा देवी।
के जाओ पर जाओगे कहाँ, बाबूजी तुम ऐसा दिल पाओगे कहाँ, जाते हो तो जाओ पर जाओगे कहाँ, बाबूजी तुम ऐसा दिल पाओगे कहाँ। तक वैसे कमरे में और बाकी के समय मेरे साथ रही, रब भी मेरे साथ ही था, इसीलिए तो जाना चाहती हूँ। तुम्हारे जिंदगी दिन की तरह रोशन और मेरी रात की तरह से आर भयानक। मैं नहीं चाहती कि मेरा मन हुसा तुम पर पड़े। ये क्या कह रही हो आशा? तुम मेरी जिंदगी में उजाला बनकर आई हो आशा। अगर तुम चले गई तो मेरे दिल में अंधेरा हो जाएगा, सब कुछ सूना हो जाएगा। लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ, क्यों आई हूँ। मैं कुछ जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम चले गई तो मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल है। आशा 500 रुपए उतार लो, पर्दे उतार लो, बिल खरीद लो, बिल्डिंग है। ये तो उस खतरे की भी कीमत है तुमने मोल लिया। ये मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया था। पूरा कर दिया था मेरा सर। आओ आशा बैठ जाओ। कैसी हो तुम? आप इसलिए बुलाया मुझे? इसलिए कि तुम मेरे दोस्त, तुमने हमेशा मेरी मदद की और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हाँ, शायद तुम्हें नहीं मालूम वो तिजोरी में सिर्फ 500 मिले, उनसे मेरा क्या होगा? मेरा तो बाल बाल कर्ज में बिधा हुआ है। साफ साफ कहिए, चाहते क्या है आप? कुछ नहीं, तुम मेरी थोड़ी सी मदद करनी। अगर यहाँ राजेंद्र सर के दस्तखत हुए तो मैं तो जो रकम चाहूँ। तो फिर तुम किसी बहाने राजेंद्र से कोरा चेक ले आओ, यहाँ दस्तखत करवा दे। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम भी हमारे साथ इस दर्जन में खुद चुकी हो, इस चोरी में तुम्हारा भी उतना ही हाथ है जितना हमारा। मेरा मतलब समझ रही हो ना? आशा, ये मेरा आखिरी काम है, इसके बाद मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देने का, मैं तुमसे वादा करता हूँ।
हेलो दीदी। मोहन अच्छा हो तुम्हारे। मैं बहुत मुसीबत में हूँ दीदी, कुछ पैसे हो तो दे दो अभी इसी वक्त। भूत खिड़की में। क्या बकता है? बकता नहीं बाबा, खिड़की में से कुछ निकलते देखा है। निकलते देखा? हाँ। क्या निकलते देखा? पंजा सर, भूत चुड़ैल कुछ था। चुड़ैल? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे कमरे में दरवाजा है तो फिर ये खिड़की में कौन गया? कोई भी नहीं, बड़ा रहम होगा। अरे रहम नहीं, मैंने जा 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 जा, जा, जा। कुछ नहीं, जरा पेट है। बात यह है कि शहर की आबो हवा रात नहीं आई। आपको तो आई है ना, इसकी कोई वजह भी होगी। अच्छा जी, thank you।
आशा मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। अभी नहीं फिर कैसे बात यह है आशा कि मैं मुझे क्या यह हो सकता है आशा कि तुम्हारी जिंदगी के संगीत में कहीं मेरी भी आवाज सुनाई दे जाए। तुम मेरी हो जाओ हमेशा। मैं प्यार का भूखा हूं आशा, मुझसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया। मेरे पास इतनी दौलत है लेकिन मैं कितना गरीब हूं इस बात का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। आशा मैं ये सब कहने की हिम्मत ना करता लेकिन तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंख, तुम्हारे होंठ मुझसे कुछ कहते हुए मालूम होते हैं। क्या मैंने इन्हें गलत नहीं समझा? नहीं हाँ, कुछ कह नहीं सकती। कहाँ आप और कहाँ मैं आपके साथ नहीं हूँ। तुम या मैं ऐसा मत कहिए। मैं क्या बताऊँ? तो क्या मैं समझ लू आशा कि तुम ऐसे राजा की रानी बनो? तुम भूत हो वो तुम्हें बना है, तुम दो दो वो तुम्हें हरा है। आशा भी अच्छा किया है। कोरा चकलाई
अब आप जितनी रकम चाहे भर सकते हैं। ला दो ना। इतनी भी क्या दे सकते हैं? सोच लीजिए कितनी रकम जितनी है। 1,000, 20,000, 1,00,000 सब मेरी मुट्ठी में है। ला दो। आशा ये तुमने कहा? वही जो आपसे बहुत पहले मुझे करना चाहिए था। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाथ सिया करके रख दूंगा। जानती हूँ मगर पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है, अब ये धमकी असर ही नहीं करती। ये तेवर अभी सीधा करता हूँ। रख दो टेलीफोन। तुम? हाँ वही मोहन जो आज तक एक दलील बाजारी कुत्ते की जिंदगी बसर करता रहा। तुम्हारी कमींगी और धोखेबाजी का जवाब खामोशी और बुजदिली से देता रहा, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम जैसे चोर और ब्लैकमेलर का जवाब हिम्मत है, जुर्रत है। और दीदी ये जगह गंदगी और बदबू से पटी पड़ी, अब तुम्हारे पांव इन राहों का कभी मैले ना हो। खबरदार जो एक इंच आगे बढ़े तो तैयार हो जाओ एक ऐसे आदमी से टक्कर लेने को जिसके पास गवाह देने को कुछ नहीं और मां लेने को सब कुछ। जल्दी दीजिए भाई। मैं अभी पुलिस को ठहराओ, मैं इन्हें बाद में समझ लूंगा। तुम इसमें 70,000 रकम लिखो। मैं लिखू? जो मैं कहता हूं करो। ये कौन सी जगह है? मेरे एक दोस्त का मकान। तुम्हारे लिए जगह अच्छी नहीं मगर इन हालात में ठीक है। मोहन अब क्या होगा? अगर हमें ये पता चल जाए कि करमचंद अब क्या करने वाला है तो सब ठीक हो सकता है। सुनो राजू साहब, कैसे हैं आप? आशा कहाँ है? क्यों आपने उसे कोरा चेक दिया था? हाँ दिया था सर। तो फिर आप कोरा चेक देने का मतलब समझते हैं? तुम्हारा मतलब? मतलब ये कि जिसके पास एक कोरा चेक हो राजेंद्र साहब, वो उसमें जितनी रकम चाहे भर सकता है। जानते हैं आशा ने उसने कितनी रकम भरी थी? वो आपको कंगाल कर देना चाहती थी। नहीं नहीं, इस दुनिया में सब कुछ होगा राजेंद्र साहब। ये देखिए उस लड़की ने यकीन और भरोसे के पक्ष के बारे में, क्योंकि किस्मत अच्छी थी हम वक्त पर पहुंच गए। ये सब क्या कह रहे हैं आप? और किस्सा क्या है? मैं बताता हूँ। आशा की पीठ पर चोरी और ब्लैकमेल करने वाले बहुत बड़े गैंग का हाथ था। उन्हें भेजी इसलिए गई थी आप पर एक बार जमाया जाए और फिर मौका पाकर आपके दौलत। नहीं, वो गई
हमेशा के लिए गई? नहीं, वो आएगी वकील साहब, जरूर आएगी। उसकी पोल खुल चुकी है, अब उसकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन वकील साहब, आप ही तो उसे मेरे पास रखा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे नहीं मालूम था वो ऐसी है। बहनर जिन हाथों से लगाई थी उन्हें हाथों को तो बुझा भी दूंगा, तुम फिक्र मत कर। देश में सबसे निकम्मा घोड़ा कौन सा है? सबकम। आपका मतलब है कि सबसे अच्छा? सबसे अच्छा नहीं, सबसे निकम्मा। घोड़ा नहीं गधा, जो वक्त पड़ने पर घास। मैं सारा रुपया फेंक था। लाइन में सारा मजाक करते हैं। इस रेस में सबसे अच्छा घोड़ा पांच नंबर है। पांच नंबर तो नंबर छह में मेरे 5,000 रुपए खेल दीजिए। अभी क्या करते हैं? नंबर छह तो घोड़ा नहीं गधा, नहीं गधा नहीं घोड़ा, खेल दीजिए ना। क्या क्या करते हैं? 100 रुपए डूब जाएगा। क्या करते हैं? अब कौन सा हारेगा? आपका मतलब नंबर तीन?
नंबर तीन तो नंबर दो पे लगा दे। अजी क्या करते हो, नंबर दो तो बिल्कुल गधा नहीं गाओ। आप कर दो डूब जाओगा। पांच हजार, पांच हजार नंबर एक पर। अगर उसने दस बीस हजार रुपए उड़ा भी दिया तो कह रहा है बाजों पर रुपया खत्म होता है। नहीं वकील साहब, वो किसी बहाने से अपने पैसे को बर्बाद करना चाहता है, ज्यादा तबाह करना चाहता है, मगर तकदीर इतनी सिकंदर है, जिस घोड़े को खेलता है वो जीत जाता है। मैं बतलाता हूँ तो हार जाता है, उसका गधा जो है वो घोड़ा बन जाता है, मेरा घोड़ा जो है गधा बन जाता है, मैं चापता घोड़ा जाता हूँ, मालूम नहीं मारता क्या। ये बात अच्छा आप जाइए। ऐ सुनो, मुझे खबर देते रहना। आशा का पता लगा? जी नहीं, वो तो मोहन के साथ गुम हो गई। तुम इन दोनों का बराबर पीछा करते रहो, और जैसे भी हो आशा राजू से ना मिलने पाए। बहुत अच्छा। सुना तुमने आशा, दुनिया जहान में तुम्हारी तलाश हो रही, राय बहादुर के हाथ की चोरी भी तुमसे लग रही है। और हाँ, एक और मिलने की बात सुनी तुमने, वो मुफ्तीस करोड़पति है ना, वो रजिंदर सयाल, उसे भी पार लग गया, वो रेस खेलने लग गया, वो सब ऐसी बातें कर रहा है जिससे क्या हुआ। अच्छा कुछ नहीं, कुछ बात तो है। मैं राजू के यहां जाऊंगी, नहीं वो अपने आप को तबाह कर डालेगा। तो क्या तुम्हारी बला है? मोहन तुम नहीं जानते, ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या मतलब? बच्चे मत बनो मोहन। क्या करूं वकील साहब, मैंने चंद दिनों में देख लिया है, ये पैसा ही दुनिया में सब फिसाद की जड़ है। मैं इतना रखूंगा, मैं इसे लुटा देना चाहता हूं, खत्म कर देना चाहता हूं इस जायदाद के झगड़े। मैं समझा, अभी आपके दिमाग को लग के रखा नहीं है, आप कुछ घबराए हुए मालूम होते हैं। मेरे साथ चलिए, मैं आपका अकम कर के देता हूं। कहां चलिए? चलिए तो पैसा खर्च होगा। चलो तो फिर चलिए। Thank you.
लोगों को दे रहा अमीर आदमियों को देने के बाद मतलब ना आप ऐसे आदमी को मैं 15-20 हजार रुपया दूं तो अव्वल आप लेंगे ही नहीं, और अगर आपने ले भी लिए तो इतनी मामूली रकम से आप क्या करेंगे। ये लो, जेब भी हल्की हो गई और दिल भी हल्का हो गया। आइए ना। यहाँ क्या करने आई? मैं कुछ बताने आई। मैं सब कुछ जानता हूँ, मगर मैं क्या करती राजू, मेरी मजबूरी थी। पार्टी में नाक नक्शे से मुझे खरीद लेना चाहा, मजबूरी थी। कैसे गरीब के मुझे लूट लेने की साजिश थी, मजबूरी थी। मुझसे मोहब्बत के बारे किसी वास्तव मोहब्बत की पेंगे बनाओ राजू, मजबूरी। अभी तक तुम्हें अपनी जवानी और खूबसूरती की ताकत का एहसास नहीं हुआ तो मेरी तरह देखो, हंसो। इस आदमी की जबान से बात तक नहीं निकलती थी, जिसने कभी किसी औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा था, वो आज एक नाचने वाली के कोठे से होकर आया है। नहीं, हाँ, नाचने वाली, और शायद वो इतनी बुरी भी नहीं थी जितना कि तुम समझती हो। वो अपने हुस्न और जवानी का सौदा करती है, लेकिन खुले बाजार करती है। मोहब्बत प्यार धोखे और फरेब से दौलत नहीं लूटती। यहाँ तो सोच ले रखो, मैं खून से घूंट पी चुका हूँ आशा। तुम्हारी आंखों का गदला पानी मेरे दिल की याद नहीं बुझा सकता, लेकिन मेरे नजदीक ना था, मुझे तुमसे डर लगता है।
तुम जरूर कोई नई चाल सोच कर आई हो। चली जाओ यहां से, चली जाओ, भगवान के लिए चली जाओ। जरूरत है, ऐसे आदमियों की जरूरत है जिन्हें पैसा चाहिए, पैसा बगैर किसी शर्त या सूद के दिया जाएगा। लीजिए राजेंद्र सियाल, श्याम विलास, मालाबार हिल, बॉम्बे। देख लिया अगर तेरा का दिमाग खराब हो गया है। क्यों, तेरा भी कोई पैसे लुटाता है? जरूर इसमें कोई ना कोई चाल चाल है। अच्छा, ये देखा तुमने, राजू अपनी सारी दौलत का सफाया कर रहा है। मैं कहता हूँ क्या हो गया इस आदमी को? मैं जानती हूँ क्या हो गया है। लूटा मैंने दूसरी सारी दौलत, यही हम दोनों के बीच एक दीवार है। पैसा, पैसा न रहेगा तो मैं इसके पास जाऊंगी, जब इसलिए दिन आएगा तो मैं। लेकिन ऐसे में तो लोग इसे लूट के खा जाएंगे। राय बहादुर के रिश्तेदार इसकी जान लेने को आएंगे, करीब क्या कुछ न कर कुछ लेगा। मोहन, मोहन, ये तो बिल्कुल पागलों की तरह हरकत कर रहा है। पागल, पागल तेजू, अब सब काम ठीक हो गया। वकील साहब, आइए आइए आइए, वकील साहब आगे आइए, यहाँ आइए साहब। वकील साहब, जब मुझे दौलत मिली थी तो सबसे पहले आप ही आए थे, और जब मैं दौलत लुटा रहा हूँ तो भी सबसे पहले आप ही आए। मैं समझ गया, पैसे का लालच आपको भी यहां खींच लाया। लेकिन वकील साहब, आप तो लाज़रज आदमी हैं, आपको पैसे की क्या परवाह? मैं दुनिया जहां को पैसा दूंगा। लेकिन आपको नहीं, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। आप कौन है? आई एम डॉक्टर बर्मन। आप किस लिए तशरीफ लाए हैं? आपसे मिलने, आपका मिजाज पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं बीमार हो गया था, मेरा कुछ दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हो रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये पैसा ही मेरी बीमारी थी, ये चला गया तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। फिर मैं अपने गांव वापस चला जाऊंगा, वहां की खुली हवा में सांस लूंगा। इसकी वजह क्या है? वजह क्या होती डॉक्टर साहब? एक लड़की थी, आशा। अरे हाँ वकील साहब, वो आपकी आशा कहां चली गई? अब आप उसे मेरी बात नहीं भेजती। जब मैं शाम की तरह दौलत के ढेर पर बैठा था तो वो अपने हुस्न और जवानी की बीन बजाती रही, मुझे लूट लेने की चालें चलती रही, और अब जबकि मैं ठेस छूट आया हूं वो कहीं दिखाई नहीं देती। बुलाइए उसे वकील साहब, मैं हर किसी को पैसा दे रहा हूं, उसे क्यों ना दूं जिसने मुझे एक सावत सिखाई है। आवाज दीजिए उसे, आवाज दीजिए आशा को, आवाज दीजिए वकील साहब। देख लिया जी? ठीक है। मनोलाल, अगर मैं तुम्हें राय बहादुर की सारी जायदाद का मुख्तार बनाऊं तो? सारी जायदाद? वो कहते ये देखो, ये रहा डॉक्टर का सर्टिफिकेट। राजेंद्र सियाल पागल हो गया है, अब वो इस काबिल नहीं रहा कि इतनी बड़ी जायदाद को संभाल सके। तो फिर मैं उसे पार खाने भिजवा दूंगा, और तुम्हें इस जायदाद का घर मालिक बना दूंगा। अच्छा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या होगी? मेरे पास राय बहादुर की वसीयत थी, मैंने उसमें एक छोटी सी तब्दीली की है। यहां तुम्हारा नाम 1,00,000 रुपए लिखा था, मैंने उसे 10,00,000 कर दिया। 10,00,000? मैं 10,00,000 रुपए का मालिक बन जाऊंगा? नहीं, 10,00,000 का नहीं, 8,00,000। 2,00,000 मुझे देने होंगे, मंजूर है? मुझे मंजूर है। यहां 10,00,000 कर दो।
क्या? कुछ नहीं, जायदाद मिलने के बाद तुम्हारी नीयत ना बदल जाए उसके लिए छोटा सा इंतजाम है। वसीयत की नकल राजू के पास भी तो होगी। ये सब मेरा काम है। अगर उसने रुपए लुटा दिए तो? इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं कोर्ट से बिलीव लेकर पहुंच रहा हूं और सब चीजों का कब्जा कर लूंगा। राजू ये क्या गजब कर रहे हो, एक बार फिर सोच लो। आओ करीब आओ। तुम क्या नाम है तुम्हारा? सुल्तान। सुल्तान, कितने पैसे चाहिए? 200। 200 मांगना भी नहीं आता। आखिर सुल्तान हो ना। अरे 2000 मांगे होते, राजेंद्र फराज से मांगने आए हो। राय बहादुर शामदाल की जायदाद का वारिश, करोड़ों का मालिक हूं, करोड़ों का। ये लो 200। सुनो 100 ले लो, जेब में रख लो जेब में। तुम कितना चाहिए? 1000। बस इतनी हिम्मत है? मगर तुम्हारा भी क्या कसूर, तुम्हारा बर्तन छोटा है, ये दौलत बहुत बड़ी है। 1500। 1000 जेब में रख लो, कोई देख लेगा। तुम आके नहीं हटती ना। कितने चाहिए? 10000। 10000 ये बात हुई ना, लो लूट लो, भर लो जेबे। तुमने दौलत नहीं देखी ना, मैंने देखी है, मैं जानता हूं क्या होती है। जेबे भर के जाओगे तो लोगों की आंखों में चमक आ जाएगी, सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। जाओ जाओ। तुम्हें कितने चाहिए? 2000। 3000। बात हुई ना, इस दुनिया में पैसा नहीं तो कुछ नहीं। बाप की शक्कत पैसा, माँ की ममता पैसा, औरत का प्यार पैसा, पैसा 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 पैसा। ये लो और लो, लेके जाओ। आप आ गए वकील साहब। बिल्कुल, आप भी लीजिए। खाओ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं कोर्ट रिसीवर हूँ, मुझे इस पैसे और जायदाद पर कब्जा करने का हुक्म मिला है। ये नहीं हो सकता, ये मेरा पैसा है, मैं लुटा रहा हूँ। हमारा नहीं, हमारा पैसा है, ट्रस्ट का पैसा है, ट्रस्ट का, जिसे तुम पागल लुटा रहे हो। पागल? हाँ पागल, पागल नहीं तो और क्या। तुम समझते थे हमें निकाल कर और जायदाद से बेदखल करके इतनी नान का काट लोगे? इसलिए तुम उसे पागल करार दे के जायदाद पर कब्जा करने चले आए। मगर ये मत भूलो कि यही लोग जिनकी मदद से तुम मुझे बेदखल करना चाहते हो, तुम्हें सौदा ही कहेंगे, तुम्हें पागल बनाकर तुम्हारा सब कुछ समय की। ये लो, देखता हूँ मेरे कौन रोकता है। मरो, ये अदालत की कार्रवाई है, वरना गिरफ्तार कर लिए जाओगे। राजू मान जाओ, मान जाओ, पागल तुम छोड़ दो। मैं सब कुछ लुटा देना चाहता हूँ।
कौन था? मोहन। मोहन? क्या ले गया? गजब हो गया। राय बहादुर की बस्ती है और मनोहरलाल का स्टैंप दोनों गायब। अब क्या होगा? जिस तरह से भी हो वो कागजात अदालत में पहुंचने से पहले हमारे हाथ में रह जाएंगे। आ जाएंगे। मरहूम राय बहादुर श्यामलाल की वसीयत के मुताबिक मरहूम के जायदाद के कुछ हिस्से का वारिस इस वसीयत के रूप में इसके हिस्से का अमानतदार राजेंद्र सयाल को बनाया गया। राजेंद्र सयाल कुछ अरसे से ऐसी हरकतें कर रहा है जिनसे साबित होता है उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं, यह पागल हो गया है। और इस काबिल नहीं कि राजेंद्र सयाल को कारखाने भेज दिया जाए और किसी माकूल आदमी को जायदाद का अमानतदार बनाया। यह साबित किया जाए कि मिस्टर राजेंद्र सयाल पागल हो चुके हैं। मिलॉर्ड, पहला सबूत है ये अखबार, मौका 20 जुलाई, इसमें एक इश्तिहार छपा है। इश्तिहार है, ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें रुपया चाहिए, रुपया बिना किसी शर्त या सूद के मिलेगा। राजेंद्र सयाल, श्यामला, मालाबार हिल। मिलॉर्ड, मैं उस डॉक्टर को पेश करना चाहता हूँ जिसने राजेंद्र सयाल का मुआयना किया। डॉक्टर बर्मन। डॉक्टर बर्मन, डॉक्टर बर्मन, डॉक्टर बर्मन, ये आप ही का सर्टिफिकेट है जो आपने राजेंद्र सयाल के मुतालिक दिया है? जी हाँ, ये सर्टिफिकेट मेरा है। आप किस नतीजे पर पहुंचे? मेरी राय में मिस्टर सयाल अपने होश में नहीं, वो पागल हो चुके हैं और अपनी जायदाद की देखभाल नहीं कर सकते। मिलॉर्ड, मैं कुछ और गवाह पेश करना चाहता हूँ। राजेंद्र सयाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? पागल, बिल्कुल पागल। जिस दिन से उसने बंबई में कदम रखा मैं जानती थी ये पागल है। राय बहादुर की लाखों की जायदाद मिलते ही उसका दिमाग ठिकाने नहीं रहा। आप राजेंद्र सयाल के मकान के पास रहते हैं? तो ये हम उसका बिल्कुल बाजू में रहते हैं। आप राजेंद्र सयाल के बारे में कुछ बता सकते हैं? आप बहुत कुछ बता सकते हैं, वो तो एकदम पागल है, अक्खा पागल है। उस रोज हम सुना ये राजेंद्र सयाल बंबई को आया तो पड़ोसी पड़ोसी मिलने को नहीं मानता क्या? हम इसको मिलने को गया, ये मेरे को देख के ऐसा भागा जिससे मैं भूत हूँ, क्या मैं भूत हूँ, घोष्ट हूँ। एकदम खिड़की से उछल के भाग गया। मैं इसका पीछे कितना बोला, ये पागल नहीं तो कौन है? ये तो एकदम मेरे बाबा आखा पागल है। ये तो पागल, बिल्कुल पागल। पागल नहीं तो और क्या? आज ही रात के समय ना सिर्फ मुझे घर से निकाल दिया बल्कि उन सब लोगों को जो 20-30 साल से घर में रहते थे। मैं एब्सोल्युटली मैं सुनकर ऐसे घोड़ों के रेस खेलते थे जो हारने वाले हों। मैंने उनको समझाने की कोशिश की तो कहने लगे मैं हारना चाहता हूँ, जीतना नहीं। अब बताइए ऐसा आदमी पागल न हो तो क्या? पागल, बिल्कुल पागल। हमारे देखते ही देखते सैकड़ों हजारों लाखों रुपए ऐसे ही फेंक जाते। तुम जा सकते हो। मिलॉर्ड, हमें राजेंद्र सयाल से पूरी हमदर्दी है, लेकिन जिस आदमी ने जिंदगी भर दो कौड़ी का मुंह न देखा हो और वो यकायक करोड़ों का मालिक हो जाए तो क्या वो पागल नहीं हो सकता है? लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि राजेंद्र सयाल को जल्द से जल्द पागलखाने भेज दिया जाए ताकि सायल मनोहर लाल और दूसरे जरूर जायदाद खतरे में न पड़े। वकील सफाई को गवाहों से कुछ पूछना है? मिलाज, इससे पहले कि मैं इनसे कुछ पूछूं मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो खुद राजेंद्र सयाल का मुआयना करे क्योंकि वो पूरे होशोहवास में है, लेकिन एक साजिश एक बेवाब का शिकार हो चुका है। कैसे? हाईकोर्ट, जल्दी। Thank you.
पूछता हूँ, आपका नाम राजेंद्र सयाल है? बताइए ना, आपका नाम राजेंद्र सयाल है? राजेंद्र सयाल कहाँ चला गया? राजेंद्र सयाल, वो मुंबई आया था, हाथ फिर एकदम हो गया। ठीक है, जवाब दीजिए ना। मिला ठीक होगा, फिर जवाब देना। आप इन लोगों में से किसी को पहचानते हैं? लोग कहाँ है लोग? ये लोग नहीं तो और क्या है? आपको पहचानते हैं? दमड़ी, ये दमड़ी है, दमड़ी। आप इनको पहचानते हैं? पाई पाई पाई, रुपया ना पाई। आप मिस्टर करंतन को पहचानते हैं? पैसा, बहुत सा पैसा, नोटों के बंडल। अच्छा, ये क्या है? पैसा। मैं कौन हूं? पैसा। आर्डर आर्डर मीनार, अब भी प्रशक बाकी रह गया है पैसे की झलक में, इसको बिल्कुल पागल कर दिया है। राजेंद्र सयाल का शक्ति बनाकर आपको किसने भेजा? वकील करमचंद। किस ट्रस्ट से भेजा? और इसमें लॉर्ड थोड़ा बेमाने हैं, गवाह अपना बयान जारी रखे। किस वर्ग से भेजा? मिस्टर सयाल को लूटने के लिए। लूटने के लिए वकील साहब ने कौन सा तरीका इस्तेमाल करने को कहा? खूबसूरती और मोहब्बत। मेलॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यह सब बातें बेबुनियाद हैं और दवार इस्तेमाल के इंसान है उसके लफ का यकीन नहीं किया। आपका दवा। आशा देवी, आपके पिताजी का नाम? स्वर्गवासी लाला देवी जी। आप कितनी बड़ी थी जब आपके पिता स्वर्गवास हुए? 6 साल। आपके भाई साहब कहाँ रहते थे? कभी किसी होटल में या दोस्तों के यहाँ। मीलॉर्ड, नोट किया जाए, दवा का शुरू से ना कोई ठिकाना है ना कोई घर। आशा देवी, आपके भाई साहब क्या काम किया करते थे? यही इधर उधर के, कोई खास नहीं। तो फिर आप क्या होता था? आपसे मतलब? मीलॉर्ड, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि दवा का आमदनी का कोई माकूल जरिया नहीं था। आपका गुजर कैसे होता? 2 साल के बाद मैं खुद कमाने लगी। इस कमाई का जरिया? मैं गाती थी। कहाँ गाती थी? होटलों, बाजारों, कोठों पर, रेडियो पर। मीलॉर्ड, नोट किया जाए, दवा के रहने का कोई ठिकाना नहीं, आमदनी का भी माकूल जरिया नहीं, और फिर इसने ऐसा पेशा अख्तियार कर लिया जिसमें इंसान पैसे के बस सब कुछ करने में तैयार हो जाता है। इसलिए आशा देवी ने जो राजेंद्र सयाल के मकान में किया, किसी के कहने सुनने से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से किया, लिहाजा इनके बयान पर कोई यकीन नहीं किया जा सकता। तो क्या मेरी बात कोई की? जैसा भी सब कुछ मेरे बारे में हो रहा है ना, तो फिर मुझे भी कुछ कहने का मौका दीजिए। हाँ हाँ, कहो। ये सब कह रहे हैं कि मैं पागल, कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है। बात यह है जब साहब के अपने आप को पता नहीं चलता, ये लोग हैं जिन्हें पता चल जाता है,
जब बहुत से लोग मिलके एक ही बात कह दें तो वो ठीक ही होगी। हो सकता है कि मैं पागल ही हूं और ये लोग होश वाले हों, लेकिन जब साहब पागल का भी सोचने का एक ढंग होता है अलग, जग भर के न्यारा, जब ही तो उसे पागल कहते हैं, लेकिन अगर उस पागल की नजर से देखा जाए तो वो सब लोग यहां खड़े होंगे और यहां खड़ा हुआ आदमी उनकी जगह ले लेगा। जज साहब इस दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, एक आया उसने कहा सारी दुनिया भाई भाई है, पागलपन, लोगों ने उसको पत्थर मारे, दूसरे ने कहा अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर, पागलपन, लोगों ने उसको सूली पर चढ़ा दिया, एक और आया उसने कहा हिंदू मुसलमान एक है, पागलपन, लोगों ने उसको गोली मार दी। जब साहब कुत्ते का काम भौंकना है, काम का काम काटना और भले आदमी का काम भला करना, पागलपन, मुसीबत यह है कि वो अपने पागलपन को नहीं छोड़ सकता। और ये होश वाले, जब साहब अगर मैं इनसे कोई सवाल पूछूं तो गुस्सा भी तो नहीं ना? वेल, नहीं नहीं, पूछो और पूछो। शुक्रिया। मासी जी, जी जब मैं बंबई आया तो आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं पागल हूं? बताओ। और जब मुझे 50 लाख रुपए की जायदाद मिली तो आपने कैसे जान लिया कि मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है? क्या कहा? जब साहब मैं पागल हूं इसलिए कि मैंने इनको रुपया नहीं दिया। मिसिज अखरोट वाला, यस। आप किसकी मर्जी से मेरे घर चली आई? वो तो हम अपना मर्जी से गया था। जरा गौर से देखिए जज साहब, अगर ये औरत किसी के भी घर चली जाए तो क्या वो घर से नहीं भाग जाएगा? कपाड़िया साहब जी, मैंने चुनके ऐसे घोड़े पर रेस खेली जो हारने वाला था। हाँ। और बता दिया? जी नहीं, जी दिया तो भी मैं पागल। जज साहब मैंने हारने वाले घोड़े पर रेस खेली और वो जीत गया इसलिए मैं पागल, और अगर मैं जीतने वाले घोड़े पर रेस खेलता और वो हार जाता तो भी मैं पागल था। जय साहब मैं रुपया लुटा रहा था। और आप क्या कर रहे थे? मैं लूट रहा तो भी मैं पागल। हाँ तो वकील साहब, आप इस लड़की को जानते हैं? हाँ। और आप ये भी जानते थे कि इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई घर घाट नहीं, आमदनी का माकूल जरिया नहीं? हाँ। आप जानते थे कि मोहन इसका भाई है? और मोहन ने आपका रुपया गबन किया? हाँ। मगर मगर कुछ नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए तो फिर आपने इसे सख्त से बना के मेरे यहां क्यों भेजा? क्यों, किस लिए, किस वजह से? इसलिए कि मेरे पास 4 पैसे थे और आप मुझे उल्लू बना सकते थे, मेरी आंखों में धूल झोंककर चोरी करवा सकते थे, पूरा चेक लिखवा सकते थे, मुझे पागल साबित करवा सकते थे, मेरी जायदाद पर कब्जा करवा सकते थे। लॉर्ड, इन कागजात का मुआयना करने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे पागल। मिस्टर करमचंद, आपको इतला दी जाती है कि आप पर जालसाजी, तरोक बयानी और ब्लैकमेलिंग के बारे में मुकदमा चलाया जाएगा। मेरी राय में मिस्टर राजेंद्र प्याल अपने पूरे होश हवास में है और मैं उनकी आजादी बरकरार रखता हूं। केस डिसमिस। Oh, yeah.
Thank you.